विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स टांडा अंबेडकर नगर यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50-60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। बहुजन समाज सेवा संगठन BS3 के तत्वाधान में मानसवर श्री कांसीराम साहब के 28वें जयंती पर विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम 15 मार्च मंगलवार को आनंद बुद्ध विहार बसखारी थाने के पीछे आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि टांडा सपा विधायक राममूर्ति वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष आलापुर सपा विधायक त्रिभुवन दत्त, विशिष्ट अतिथि इंजीनियर कृपा शंकर एवं परमेश्वर जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मानव कांशीराम के आदर्शों, सिद्धांतों और उनके जीवन चरित्र के साथ समाज में किए गए संघर्षों के बारे में लोगों को बताया गया तथा साथ में उनके द्वारा अपने समाज को सर्व समाज के बराबर हक और सम्मान दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसको लेकर लोगों को उनके द्वारा बताए गए आदर्शों और सिद्धांतों के साथ उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने की अपील भी की गई। राममूर्ति वर्मा ने बताया कि आज संविधान खतरे में है, लोगों को धर्म और जातियों में बांटा जा रहा है, लोगों के हक और अधिकार छीनने का प्रयास हो रहा है। ऐसे समय में हमें बाबा साहब के संविधान और मानवन कांशीराम के द्वारा शोषित समाज के लिए किए गए संघर्षों को याद करते हुए अपने हक के लिए हमें हमारा अधिकार जब तक मिल नहीं जाता संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सपा विधायक त्रिभुवन दत्त ने कहा, मानवर कांशीराम और बाबा साहब के सिद्धांतों से आज बसपा पार्टी की मुखिया भटक गई हैं, इसीलिए हमने बसपा का साथ छोड़ दिया और बाबा साहब का मिशन भी खतरे में है। ऐसे वक्त में हमें कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर आपका नेता गलत हो जाए तो उसको हरा दो, सत्ता से बाहर कर दो। आज हमें अपने समाज को फिर से इन लोगों से बचाते हुए फिर से एकजुट होने की जरूरत है। जब इस देश को जरूरत है, जब माननीय त्रिभुवन जी इनके DS3 के जो संगठन के साथी हैं, जो उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है, इन लोगों ने जब ये समझा कि माननीय कांशीराम जी का जो संघर्ष है अब उसको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है, ऐसे समय में इन लोगों ने जो ये शुरुआत किया, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत बड़े संगठन का रूप धारण करेगा और उत्तर प्रदेश में फिर से जो लड़ाई लगभग 10 वर्षों से रुक सी गई थी उसमें फिर से गति देने का काम होगा और जो लोग हमको रोटी कपड़ा मकान देने का लालच देकर हमारे हक अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर, गलत ढंग से हिंदुस्तान की सत्ता में काबिज है, ऐसे लोगों को हम सभी लोग परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलकर मानवर कांशीराम साहब के बताए हुए संघर्ष के रास्ते पर चलकर इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं करने का संकल्प लिया है और जो लोग इस लड़ाई में शामिल हैं उनका मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो शुरुआत आपने किया है ये आगे 4-6 वर्षों में इस प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत के रूप में दिखाई पड़ेगी। कांशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज बहुजन समाज सेवा संगठन BS3 के तत्वाधान में आयोजित इस संगोष्ठी को कैबिनेट मंत्री दलितों स्वर्गों मजलूमों की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे टांडा के लोकप्रिय विधायक
आदरणीय श्री राम मोदी वर्मा जी कहता हूं कि जिस महामोन ने सोते हुई कौम को एक नई दिशा दे करके जमीन से उठा करके मंजिल तक पहुंचने का जो अवसर दिया, समाज में नई चेतना पैदा करके हमको राजपाट की तरफ आकर्षित करने का काम किया, ऐसे महामानव की जयंती मना करके जो आप लोग एक महान कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप सभी आपके बीच में हमारे तमाम भक्ता साथी और आदरणीय श्री राम मूर्ति वर्मा जी ने मानव कांसी राम जी के संघर्षों पर अपना विचार रखने का काम किए हैं कि मानव कांसी राम साहब ने इस समाज के लिए जो संघर्ष किया है, मेरे साथ वो संघर्ष की जिक्र आधे घंटे 15-20 मिनट में नहीं हो सकती है। ऐसे समाज के लोगों के अंदर चेतना पैदा करके भारतीय इतिहास में एक छाप छोड़ने का अगर किसी ने काम किया था तो महामानव मानव कांसी राम थे, कोई दूसरा नहीं था। लेकिन उनके हाथ में नौकरी चाकरी नहीं थी, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जिसमें आपका भाई त्रिभुवन दत्त भी है। मेरे साथियों, DS4 6 दिसंबर 1981 को DS4 बनाया जिसका नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति रखा, और साथियों समाज के बीच में जाने के लिए मीटिंगें लगाने का काम शुरू कराया। लेकिन मेरे साथियों, जब उस समय मीटिंग होती थी तो हमारा समाज मीटिंगों में नहीं आता था। माधव कांसी राम साहब वैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि ये समाज नजखवा समाज है, ये कैडर सुनने नहीं आएगा। तो साहब ने हम लोगों को आदेश किया कि भाई अगर तुम लोग कला जानते हो तो ड्रामे के माध्यम से, जागृत जत्थे के माध्यम से समझाओ। और हमारे तमाम पुराने साथी बैठे हैं, मेरे साथियों जब ढोलक हारमोनिया नकारा बजता था तो मेरे साथियों 1-2 हजार नहीं लाखों की भीड़ त्रिभुवन दत्त को देखने के लिए इकट्ठा होती थी। और मेरे साथियों जब हम लोगों ने जगाने का काम किया तब मानव कांसी राम साहब ने कहा कि अब ये समाज लड़ाई लड़ सकता है। कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट में स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें मुबारकपुर टांडा अंबेडकर नगर UP। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।